सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। मौसम में अगले 4 दिनों में दिखेगा बड़ा बदलाव। दिल्ली सहित कई राज्यों में आज से बढ़ेगा तापमान। यूजीसी ने छात्रों को विदेश में शैक्षणिक संस्थानों का चयन सावधानी से करने की दी सलाह। यूक्रेन से वापस आए छात्रों का किया जिक्र। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों पर कसा मनी लॉन्ड्रिंग का शिकंजा। ईडी ने दर्ज किया केस। अवैध संपत्तियां जब्त कर सकती है एजेंसी। सामना में शिवसेना का हल्ला बोल, कहा लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा विवाद देश को डुबाने की साजिश। सर्बानंद सोनोवाल के घर बिहू कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी, बजाया ढोल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, कॉमन सिविल कोर्ट पर विचार कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, ये है बहुत जरूरी। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को हिंदू नामों से नई पहचान दिलाने वाले संदिग्धों की एटीएस को तलाश। पश्चिम बंगाल का है सिंडिकेट। 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 226 नए केस। एनसीआर और लखनऊ के स्कूलों में मास्क अनिवार्य। सीएम योगी का भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन। बेतवा नहर परियोजना झांसी में तैनात इंजीनियर बर्खास्त, वसूले जाएंगे 77 लाख रुपए। 9534 पदों पर दरोगा भर्ती के लिए शारीरिक मानसिक परीक्षा, 2 चरणों में अभिलेखों की जांच। अयोध्या में राम मंदिर के साथ विराट रामायण मंदिर भी होगा भव्य, तक का पर्याय जीवंत तो होगा त्रेता युग। क्वाड को चीन के खिलाफ मानते हैं शी जिनपिंग, बाइडेन से की थी शिकायत, अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया खुलासा। अफगानिस्तान के आतंकवादियों ने किया पाकिस्तान सैन्य चौकी पर हमला, 3 सैनिकों की मौत। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पुलिस थाने पर ग्रेनेड से हमला, 2 पुलिसकर्मी हुए घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला, कहा हमारा देश नरक की ओर जा रहा। नो बॉल विवाद में कोच प्रवीण आमरे पर लगा 1 मैच का बैन, कप्तान ऋषभ पंत को भी मिली बड़ी सजा। चेतेश्वर पुजारा ने आलोचकों को दिया मुंह तोड़ जवाब, दोहरे शतक के बाद ठोका एक और शतक। सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट के भगवान बनने में खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू की चोट और पूर्व कप्तान की जिद की बड़ी भूमिका। सौरभ गांगुली ने दिया आईपीएल नॉकआउट को लेकर खुशखबरी, 100% दर्शकों को मिलेगी अनुमति। अपनी ही टीम के सहायक कोच और कप्तान पर भड़के शेन वॉटसन, कहा कोई मैदान पर मैच में दौड़ जाए बर्दाश्त नहीं होगा। विक्रम वेघा का लुक हुआ रिवील, अलग अंदाज में नजर आए ऋतिक रोशन। बॉडी शेमिंग पर बोली जर्सी एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर, कहा लोग मुझे मटका कहकर बुलाते हैं और ये ट्रोल मुझे प्रभावित नहीं करता है। हजारों करोड़ों कमाने वाली फिल्म आरआरआर के निर्देशक एसएस राजामौली ने खरीदी 45 लाख की कार। शाहरुख खान का बंगला मन्नत सोशल मीडिया पर कर रहा है ट्रेंड, इमोशनल हो रहे फैंस।
आयुष्मान खुराना मिशन अनेक के लिए है पूरी तरह तैयार, अंडरकवर एजेंट बन थिएटर पर बोलेंगे धावा। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।